वीर भी जब मैं सिलेक्ट हुई वीर के लिए, वो मेरी जो मुलाकात थी सलमान के साथ, वो एक बतौर फैन की तरह थी। मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी चेंज होने वाली है, क्योंकि तभी मैं एयर होस्टेस बनने के लिए इंटरव्यूज दे रही थी, और तभी मैंने वेट लूज किया था, क्योंकि मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो लिमिटेड है बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन दैट हैपन दैट टाइम। एंड मेरे को लगा कि चलो ये बेस्ट जॉब है मेरे लिए, एयर होस्टेस बनना, बेस्ट पेड एंड वट एवर अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन। और उस दौरान वेट लूज हो गया, और फैन की तरह उस टाइम पे सलमान को मिली, एंड माय लाइफ चेंज। होती है क्योंकि आप आपका वो काम नहीं है ना, आपने वो मैनिफेस्ट किया है ना, वो बिल्कुल आपने कुछ ऐसा प्रैक्टिस की होगी बचपन से ही ना। बहुत सारे लोग नहीं, बचपन से ही करते आते हैं कि भाई मेरे को यही बनना है, आपने और वहां जाकर उस चीज को ग्रेस्प करना, इतने बड़े दुनिया में जाना, स्क्रीन पर आना, वो सारा कॉन्फिडेंस, और वो बहुत बड़ी बात होती है। यार आई थिंक वो डिफेक्ट है मेरे अंदर। मेरे को ना आसपास मेरी चीजें जो होती है ना, वो आधे से ज्यादा टाइम रियलाइज नहीं होती, वो काफी बाद रियलाइज होता है कि अच्छा ये हो रहा है लाइफ में। तो इसलिए जब वीर का फर्स्ट शॉट भी जब मेरी लाइफ का था, मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि कैमरा कहाँ पे है, तो इसलिए वो हो गया। इट हाँ वॉज आई नेवर गेट इंटिमिडेटेड। द ओनली पर्सन दैट आई गॉट इंटिमिडेटेड माई लाइफ वॉज सलमान ऑफकोर्स, क्योंकि उनको मेरा पूरा खानदान उनका फैन रहा है, उनको बचपन से देखा है चीजें हैं। तो या एंड प्लस उनका वो ऑरा, आई डोंट नो, है तो बहुत ही बढ़िया इंसान, बट वो मतलब डर लगता है कभी कभार यस मुझे भी यस यस बोलने में उनके यस सामने, कि पता नहीं क्या मैं उनको बहुत हो। बार ये बोल चुका हूँ, मैं कहा सर आपने कभी मेरे को बैड वाइब्स या कभी मेरे पे गुस्सा नहीं नेवर किया, नेवर। कभी नहीं किया, और बड़े बड़ी इज्जत से कैसे हो, मुझे मेरे को सर बोलते हैं, सर आओ बैठो सर ये वो, मैं कहा सर फिर भी मेरे को डर क्यों लगता है। हाँ वो पता नहीं, वो कुछ है वाइब तो हाँ ना, ऐसे। है ना कुछ, हाँ, बिल्कुल मेरा अभी भी होने लगता है कुछ तो है, क्योंकि बिग बॉस इतनी बारी मैं जा चुकी हूँ, उनके साथ कर नहीं, बट चुकी मैंने तुम लोग को हूँ, देखा यार बिग बॉस में, तुम लोग तो कितने मजे करते हो सलमान के साथ। मजे करने हमारा देते हैं तो आपने देखा नहीं, गर्दन का थूक भी सूखा होता है ऐसे करके। चलिए सलमान भाई के साथ रिहर्सल में क्या है? हाँ बोलो, आप कर लोगे, आप करके बात करते हैं यार, बहुत ही मतलब अच्छे इंसान हो, अलग ही है इंसान हो सच में यार। घर जाके कैसे बोला कि मम्मी मैं हीरोइन के हीरोइन लिए बन गई सिलेक्ट हो हूँ। गई हूँ? तो मैं मतलब घर जाके जब मैंने ये बोला, तो मैंने बहुत ही ड्राई मैनर में बोला, क्योंकि मेरे को खुद वो तब तक सिंकिंग नहीं हुआ था, और रियलाइजेशन हुआ नहीं था कि अच्छा मैं हीरोइन बन गई, वो भी सलमान खान की हीरोइन, यस तो मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी को आई थिंक पहले हेट हुआ, एंड माई मदर, माई सिस्टर, वो लोग, ओह माय गॉड, उनको इतनी ज्यादा खुशी हो गई। एंड लाइक अच्छा, मैं बोला ना मेरे रिएक्शंस थोड़े से हाँ लेट आते लेट हैं आते उनके पहले आ गए। बहुत ज्यादा, उनको इंस्टेंट रियलाइज हो गई, ओह लाइक सो हैप्पी एंड दिस एंड दैट। और आपके परिवार में कोई ऐसे आर्ट वाले बैकग्राउंड से नहीं है, जरा भी नहीं? ओ, तो उनके लिए तो एकदम शॉक भी होगा और सरप्राइज भी होगा, बिकॉज सब चाहते हैं मेरी बच्ची हीरोइन बने, यू नो। और मैं वो बच्ची थी नहीं ना कि हीरोइन बन सकती मैं तो थी, मैं तो सोचती हूँ थी लड़कों ऐसी जैसी। ऐसी ओ